नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, या जिनको हम वाइट कॉलर क्राइम भी कहते हैं। मेनली दोस्तों, जो ऑफेंसेस या क्राइम होते हैं उनकी दो क्लासेस होती हैं। एक तो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस हैं, जैसे कि हमारे पास थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग, रेप और ये सब कुछ हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों, जो एक न्यू ब्रांच जो है मर्ज हुई है वो है सोशो इकोनॉमिक या वाइट कॉलर क्राइम्स या ऑफेंसेस की। ये दोस्तों वो ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि इसका नाम है सोशो इकोनॉमिक, यानी कि ये समाज के सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर या फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। वाइट कॉलर क्राइम इसे इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं हायर पोजिशन पर ब्यूरोक्रेसी में, ट्रेड, कमर्स प्रोफेशन में, वही इनको कमिट करते हैं। और हर सोसाइटी या स्टेट में सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस छोटे या बड़े पैमाने पर होते हैं। जहाँ तक दोस्तों बात करें करैक्टरिस्टिक ऑफ द सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की, या इनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर वन कि ये जो ऑफेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सोसाइटी के पूरा ताना बाना जो सोशल इकोनॉमिक होता है उसको इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने बैंक में 1,00,000 रुपया जमा करवाया था और 1,00,000 रुपये को मैं अपने घर बनाने के लिए यूज़ करने वाला था, बैंक दिवालिया होगा, मेरा सारा पैसा डूब गया। अब देखिए सोशली उसका मेरे पर असर होगा कि मैं अपना घर नहीं बना पा रहा हूँ, वजह कोई भी हो तो सोसाइटी में जो एक मेरी एस्टीम है वो लो होगी। इकोनॉमिकली तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मुझे लॉस होता ही होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो हर एक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं। और जहाँ तक बैंक की बात है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बैंक जो है कोई एक दो आदमी तो पैसा जमा करवाते नहीं हैं, बड़ी तादाद में पैसा जमा करवाते हैं उसमें। और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि वो जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो बहुत ज़्यादा लोगों पर होगा। नीचे से ऊपर सारे तबके जो है उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू है दोस्तों करैक्टरिस्टिक में कि ये जो ऑफेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हैं ट्रेड, कमर्स और प्रोफेशन में कमिट किए जाते हैं। ज़्यादातर आजकल देखें हम तो ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है इसका। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो मिडिल या अपर क्लास के द्वारा ही कमिट किए जाते हैं, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है जो थोड़ा रिच होगा, जिसका सिस्टम में किसी तरह का कोई से या कंट्रोल होगा, वही इनको कमिट करने की क्षमता रखता है। करैक्टरिस्टिक नंबर थ्री दोस्तों कि इन ऑफेंसेस के पीछे जो वजह होती है करने की वो होती है ग्रीड फॉर मनी, यानी पैसे का लालच। करैक्टरिस्टिक नंबर फोर दोस्तों कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए की जाते हैं। करैक्टरिस्टिक्स नंबर फाइव दोस्तों कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये एक करप्ट माइंड की उपज है, यानी कि जहां पर माइंड आपका करप्ट होगा वहां पर ये ऑफेंसेस ज़्यादातर कमिट किए जाते हैं। लास्ट और सिक्स करैक्टरिस्टिक दोस्तों इसका कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये जनरली अपने साथ किसी तरह का कोई स्टिग्मा जो है इन्वॉल्व नहीं करते हैं सोसाइटी की तरफ से। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी मर्डर करके आता है, एक आदमी डिपार्टमेंट में फ्रॉड करके आता है, तो दोनों के ऊपर जो स्टिग्मा दाग या एक सोसाइटी में उसको जो नकारा जाए वो मर्डर वाले का ज्यादा होगा, और जो फ्रॉड करके आया है दफ्तर में उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों स्कोप ऑफ द सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इन ऑफेंसेस के स्कोप को डिफाइन करना दोस्तों इतना इजी नहीं है, पर फिर भी कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ऑफेंसेस जो हैं वो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं और यहाँ पर ये कमिट किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हो गया टैक्स चोरी या टैक्स इवेजन कह लीजिए, या टैक्स अवॉइडेंस कह लीजिए, मिलावट, अडल्ट्रेशन, ग्रोसरी या दवाइयों में, प्रॉफिटेयरिंग मुनाफाखोरी जिसे कहते हैं, रैकेटेयरिंग ठगी जिसे कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी जिसे कहते हैं, होर्डिंग जमाखोरी, स्मगलिंग जिसे तस्करी कहते हैं, बूटलेगिंग जिसे शराब की तस्करी करना कहते हैं, या फिर स्मगलिंग हो सकती है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो है उसमें किसी तरह का कोई जो है वो गड़बड़ हो सकती है, वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर, यानी ये नापतोल के जो हमारा सिस्टम होता है दुकानों पर या और जगहों पर उस पर गड़बड़ी हो सकती है, वायलेशन ऑफ रैशनिंग, जो रैशनिंग है उसमें जो राशन व्यवस्था है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, ट्रैफिकिंग इन लाइसेंस परमिट एंड कोटा, लाइसेंस जो देते हैं हम तरह तरह के बिजनेस या कोटा होता है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, इम्बेजलमेंट यानी कि जो हमारा घोटाले हैं, जब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड करना, मेल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग शेयर पुशिंग, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉरपोरेटिंग एंड अदर बॉडीज, जो कॉरपोरेटिंग या अदर बॉडीज़ हैं उनको रिश्वत खिलाना या उन पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, ब्राइबरी जैसे रिश्वतखोरी है, करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म इन पब्लिक सर्विसेज जो है वो भी है इसमें, जो हायर क्लास जो सोसाइटी में जो अथॉरिटी होती है उनके द्वारा, वायलेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन इन पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें वायलेशन हो सकती हैं, जैसे कि ज़मीन गवर्नमेंट की होती है उसमें खरीद फरोख्त होती है, आगे पीछे करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकता है, या फिर किसी और तरह की जो इस कैटेगरी से जुड़े हैं ऑफेंसेस हैं वो हो सकते हैं। नो बात करते हैं दोस्तों जेनेसिस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, यानी कि ये सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो उत्पत्ति है इनकी, जो ओरिजिन है इनका, वो कहाँ से है।
तो दोस्तों ज़्यादातर जो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आए हैं या वाइट कॉलर क्राइम, वो जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या साइंस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है उससे ही जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों यूरोप में आया हुआ रेनेसांस का जो पीरियड था, जो एक युग परिवर्तन था, वो भी इसी के साथ है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत बड़ी तरह से इम्पैक्ट करती है इन ऑफेंसेस को। रेनेसांस जो पीरियड था दोस्तों उसमें क्या था, लोग जो है अपने दिमाग पर ज़्यादा यकीन करने लगे और जो भगवान या धर्म इन चीज़ों का जो एक डर था वो कम होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आदमी जो था उसने ऑफेंसेस की जो लिमिट थी उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ था जो मनी जो है, जो पैसा है दोस्तों, वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। पैसा आया और पैसे पर आधारित व्यवस्था बन गई, जो बाकी चीज़ें थी उनको पैसे ने डोमिनेट कर लिया। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कम हो गई, पैसे की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो गई। और इसलिए जब आदमी को ये लगा कि भाई पैसे की वैल्यू ज़्यादा है तो क्यों ना मैं पैसे को ही कमाऊँ, बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से इसको अर्न करना जो मेरा लाइफ का मोटिव होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो ट्रेड कमर्स बड़ी ऑब्वियस बात है वो भी बढ़ना था। जब वो बढ़ा तो उसमें जो फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटी है आपको ज़्यादा हो जाती हैं। और जब वो ट्रेड कमर्स को लाइसेंस से जुड़े होते हैं, परमिशन रूल्स रेगुलेशन से जुड़े होते हैं और आप ब्यूरोक्रेटिक किसी पोजीशन पे बैठ जाते हैं जहां पर आपको पता है कि भाई यहां पर तो मैं कमाई करूंगा ही गलत तरीके से। लेजिस फेयर की जो पॉलिसीज थी, जहां का स्टेट का जो कंट्रोल था उसको विड्रॉल किया गया, वो भी काफ़ी हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। जहाँ तक दोस्तों इंडिया की बात है तो इंडिया में सोशो इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस हैं वो 1947 यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस का पीरियड था उससे थोड़ा पहले और उसके बाद और अभी तक जो चला हुआ है चलन, जैसे कि आपने देखे होंगे तरह तरह के घोटाले होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर बहुत बड़ा करप्शन है और भी कई तरह के करप्शन है। और दोस्तों इसी से जुड़े हुए कई हमें लेजिस्लेशन या एक्ट पास करने पड़े, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1947 था, आर्म्स एक्ट 1959 था, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्ट, ड्रग्स कंट्रोल एक्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए इन सब सोशल इकोनॉमिक या वाइट कॉलर क्राइम जो है इनको कंट्रोल करने के लिए। और इन सब एक्ट्स की जो खास बात ये थी दोस्तों कि इनमें मेंजरिया जो गिल्टी माइंड है उसका एलिमेंट जो था उसको कम किया गया। वो क्यों किया गया वो हम आगे बढ़ेंगे। और मिनिमम पनिशमेंट जो थी वो प्रेस्क्राइब की गई कि भाई अगर आप इन एक्ट के अंदर किसी तरह का कोई क्राइम करते हो तो आपको ये पनिशमेंट होना तय है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं दोस्तों, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड मेंजरिया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों कि जो लेजिस्लेचर थी उसने एक्ट्स बनाए ये सब, और उसमें उन्होंने मेंजरिया का जो एलिमेंट था उसको कम कर दिया, क्योंकि जो मेंटल एलिमेंट है या जो गिल्टी माइंड का एलिमेंट है वो इन ऑफेंसेस में प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्टस रियस तो बड़ी इजीली प्रूव हो जाता है, गिल्टी एक्ट है आपका वो तो प्रूव हो जाएगा, पर ये कहना कि हाँ भाई इस आदमी का जो गिल्टी माइंड था तो इसकी वजह से ये ऑफेंस हो गए, इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इसमें प्रूव करने के लिए। इसलिए जो था वो गिल्टी माइंड का कंसेप्ट जो था इसमें रिड्यूस किया गया कि भाई इसका गिल्टी माइंड को हम इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हम गिल्टी एक्ट के बेसिस या एक्टस रियस के बेसिस पर ही पनिशमेंट दे देंगे। और जो बर्डन ऑफ प्रूविंग होगा वो हम अक्यूज पे शिफ्ट करेंगे कि अक्यूज हमें बताए कि भाई अगर आपने ये क्राइम किया था तो आपका मेंजरिया यानी कि गिल्टी माइंड था कि नहीं था, आपकी इंटेंशन गलत थी कि नहीं थी, आप प्रूव करिए। हमारा काम था कि हमने आपका एक्टस रियस प्रूव कर दिया कि भाई जो काम किया है आपने वो तो गलत है, अब आप इसको प्रूव करिए कि आपकी इंटेंशन गलत थी कि नहीं थी, ये अक्यूज पे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो थे उनको कमिट करने का कारण था ग्रीड फॉर द मनी यानी कि पैसे का लालच, और इनके जो इम्पैक्ट होते थे वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पैमाने पर होते थे, कभी कभी तो ये नेशन वाइड यानी पूरे के पूरे देश को भी इम्पैक्ट करते थे। इसीलिए जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी वो बहुत ज़रूरी थी कि भाई अगर आपने ऐसा किया है तो आपको मिनिमम पनिशमेंट तो मिलनी तय है। जैसे कि इसके बारे में बेंथम ने कहा था कि ईवल ऑफ द पनिशमेंट मस्ट बी मेड टू एक्सीड द एडवांटेज ऑफ ऑफेंस, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो उनका कहना था कि जो पनिशमेंट है वो आपका जो एडवांटेज है ऑफेंस का उससे दो कदम आगे रहनी चाहिए। जहाँ तक बात है दोस्तों पिक्यूनरी पनिशमेंट की, तो उसके बारे में कहा गया कि भाई ये जो पिक्यूनरी पनिशमेंट है इसका तो इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है तो ये तो उसको पे कर देगा, तो इसलिए इसको जो पनिशमेंट देनी है वो हम बॉडीली पनिशमेंट दें, यानी कि हम इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दें या 10 साल या 5 साल या 7 साल इस तरह की पनिशमेंट दें, उनका इन पर ज़्यादा असर होगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले जो मैंने एक्ट मेंशन किए उनके अंडर एक मिनिमम जो पनिशमेंट है उसका भी प्रावधान किया गया है, पर दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ बॉडीली पनिशमेंट देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। मुझे लगता है बॉडीली पनिशमेंट जो है वो कम होनी चाहिए, पिक्यूनरी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इन ऑफेंसेस को करने के पीछे जो एक कारण है वो यही है ग्रीड फॉर द मनी यानी कि मुझे पैसा मिलेगा,
तो अगर आप किसी आदमी से वो पैसा ही छीन लोगे तो फिर उसका पर्पस जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 1 लाख का फ्रॉड करता हूँ और गवर्नमेंट मुझसे वो 1 लाख तो रिकवर करती है, साथ ही साथ उसका हाफ ऑफ द अमाउंट एज ए फाइन या एज ए पनिशमेंट रिकवर करती है कि भाई 1 लाख का तो मैंने फ्रॉड किया था, गवर्नमेंट ने मुझसे 50,000 ऊपर और रिकवर किया और 1.5 लाख बना के मुझसे रिकवर किया। यानी कि मैंने 1 लाख का फ्रॉड किया तो 1.5 लाख मुझसे रिकवर किया। इसके दो फायदे हैं, पहली बात तो ये कि मैं फ्यूचर में किसी तरह का कोई भी फ्रॉड करने से पहले सोचूंगा, दूसरे लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि भाई देखो 1 लाख का तो फ्रॉड किया था, 1.5 लाख भरना पड़ गया। दूसरी बात, जिन लोगों से पैसा लिया, यानी बड़ी ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को मैंने नुकसान तो पहुंचाया होगा, उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी 1 लाख से और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उनको वो भी मिल जाएगा, यानी कि भरपाई भी हो जाएगी और एक तरह से लेसन भी हो जाएगा। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि पिक्यूनरी जो एक पनिशमेंट है उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आप उसको बॉडली पनिशमेंट देंगे। तो ये है दोस्तों सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस या वाइट कॉलर क्राइम। थैंक यू वेरी मच।